हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्ज़ाम ओरिजिनल्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति कुशवाहा और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अभी एक बार फिर से अमेरिका और चीन के बीच में कन्फ्लिक्ट की स्थिति देखने को मिल रही है ताइवान की वजह से। तो आखिर ये मुद्दा क्या है, इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट की स्थिति क्यों बनी हुई है और ताइवान की इसमें क्या भूमिका है, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें प्रेजेंट टाइम में क्या सिचुएशन बनी हुई है, तो प्रेजेंट टाइम में अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष जिनका नाम नैंसी पेलोसी है, उन्होंने ताइवान का दौरा किया है जो कि 1997 के बाद ताइवान पर जाने वाला अमेरिका का सर्वोच्च स्तर पर अधिकारी दौरा है। यानी कि 1997 में अमेरिका की साइड से उनका कोई पर्सन ताइवान पर दौरा करने के लिए गया था, उसके बाद अभी 2022 में नैंसी पेलोसी नाम की अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की जो अध्यक्ष हैं वो एक बार फिर से ताइवान का दौरा करने गई हैं। लेकिन ये दौरा चीन को पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि चीन जो है वो ताइवान को अपना एक पृथकतावादी प्रांत के रूप में देखता है, तो इस वजह से अमेरिका और चीन के बीच में तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम लोग अगर चाइना के बारे में बात करें तो चाइना ने ये तर्क दिया है कि ताइवान जो है वो हमेशा से ही एक चीनी प्रांत रहा है और कभी भी इसके अस्तित्व को एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई के रूप में मान्यता नहीं दी है। यानी कि चाइना का सिंपल वे में कहना यह है कि ताइवान जो है वो उसका ही पार्ट है और अमेरिका जो है वो बिना चाइना की परमिशन के इस तरीके से ताइवान पर अपने किसी भी अध्यक्ष को कैसे भेज सकता है वहां का दौरा करने के लिए। तो इस वजह से ये जो दौरा है वो चाइना को पसंद नहीं आया है और चाइना ने इसको लेकर कई सारे, हम लोग कह सकते हैं कि बहुत तरीके के अमेरिका के ऊपर कई सारी बातें की हैं। इसके अलावा इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी किया है, तो इस वजह से अमेरिका और चीन के बीच में कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन एक बार फिर से बनी हुई है। तो अब हम लोग अगर बात करें चीन और ताइवान के बीच में हमें कई सारे आर्थिक संबंध भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ताइवान के कई प्रवासी चीन में भी कार्य करते हैं और चीन ने भी ताइवान में कई सारा निवेश किया है, तो इन सब की वजह से चीन जो है वो ताइवान को अपना ही एक पार्ट मानता है, यानी कि उसे एक अलग कंट्री के रूप में नहीं मानता है। तो इस वजह से उसका ये कहना है कि अमेरिका वहां पर बिना चाइना की परमिशन के नहीं जाना चाहिए। तो ये जो है वो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट की स्थिति देखने को मिल रही है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं ताइवान से जुड़े कई सारे फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले ताइवान जो है वो स्वयं को एक संप्रभु यानी कि एक डोमिनियन स्टेट मानता है, लेकिन लंबे समय से चीन द्वारा इस पर दावा किया जाता रहा है। लेकिन ताइवान जो है वो अमेरिका को अपने सबसे बड़े सहयोगी के रूप में भी देखता है, जबकि अमेरिका ने भी एक विधान पारित कर रखा है जिसके अनुसार ताइवान के आत्मरक्षा प्रयासों में अमेरिका उसकी सहायता करेगा। यानी कि सिंपल वे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ताइवान जो है वो ऑफिशियली चाइना का ही पार्ट है और चाइना उसे अपने एक पार्ट के रूप में ही देखता है, लेकिन वो खुद को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मानता है। एक ऐसा हम कह सकते हैं कि ऐसा वो देखता है कि वो एक संप्रभु राष्ट्र है, लेकिन ऑफिशियली रूप से चाइना उस पर हमेशा से अपना दावा करता रहा है। लेकिन ताइवान जो है उसके अमेरिका के साथ भी काफ़ी अच्छे रिलेशन देखने को मिलते हैं, वो अमेरिका को एक अपना काफी बड़ा सहयोगी मानता है और अमेरिका ने भी ताइवान से ऐसे कई सारे वादे किए हैं जिसके तहत वो उसे आत्मरक्षा प्रदान करने का वादा भी करता है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग अगर बातें करें कि ताइवान जो है वो उसे आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है, यानी कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा चाइना में हमें कम्युनलिज्म यानी कि साम्यवाद देखने को मिलता है, जबकि ताइवान जो है वहाँ पर हमें रिपब्लिक देखने को मिलता है। तो इस वजह से ताइवान को चाइना का रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहा जाता है। इसी तरीके से हांगकॉन्ग की सिचुएशन है, हांगकॉन्ग में हमें डेमोक्रेसी देखने को मिलती है जबकि चाइना में हमें साम्यवाद देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हांगकॉन्ग की भी सेम सिचुएशन है जैसी ताइवान की देखने को मिलती है। तो ये जो है वो पूर्व एशिया में अवस्थित एक देश है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में पूर्वी और दक्षिण चीन सागर के मिलन बिंदु पर जापान और फिलीपींस के बीच सबसे बड़ा स्थल भाग भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप लोग इसकी मैप पर सिचुएशन भी याद रख सकते हैं कि मैप पर ये किस तरीके से कहाँ पर सिचुएटेड देखने को मिलता है। तो ये हमें पूर्वी एशिया में देखने को मिलता है, जापान और फिलीपींस के बीच एक काफ़ी बड़ा स्थल भाग भी देखने को मिलता है। इसके अलावा ताइवान के बारे में हम लोग अगर और बात करें तो ताइवान जो है वो सेमी कंडक्टर के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है और सेमी कंडक्टर की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बृहद रूप से ताइवान पर ही निर्भर करती है। यानी कि ताइवान में ही
हमें सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर का उत्पादन होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो 2021 में कुल वैश्विक सेमीकंडक्टर राजस्व में ताइवान की अनुबंध विनिर्माताओं की हिस्सेदारी लगभग 60% देखने को मिली थी, यानी कि 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो, या फिर हम लोग कहें 60% जो टोटल सेमीकंडक्टर है उसमें हमें ताइवान की ही भागीदारी देखने को मिली थी। तो इस वजह से ताइवान जो है वो सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए पूरे विश्व में काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण हिस्सा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें प्रेजेंट टाइम में लगभग 13 देश, इसके अलावा जो वेटिकन सिटी है वो ऐसे देश हैं जो कि ताइवान को एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता देते हैं। इसके अलावा बाकी के जो सारे देश हैं वो ताइवान को चाइना का ही एक पार्ट मानते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। तो ताइवान जो है वो सेमीकंडक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण देश माना जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि चीन के लिए ताइवान की क्या प्रासंगिकता है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया चीन और ताइवान की अर्थव्यवस्थाएं अटूट रूप से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो चीन ताइवान का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार भी देखने को मिलता है, यानी कि चीन और ताइवान के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी देखने को मिलता है। इसके अलावा चीन की तुलना में लगभग आधे निर्यात मूल्य के साथ अमेरिका इसका दूसरा सबसे बड़ा भागीदार है। तो इस तरीके से अगर हम लोग कहें तो ताइवान के लिए चाइना जो है वो फर्स्ट नंबर पर उसके सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर देखने को मिलता है। उसके बाद फिर अमेरिका का स्थान आता है, यानी कि इन दोनों ही देशों के साथ ताइवान के काफ़ी अच्छे ट्रेड रिलेशन देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ताइवान जो है वो अन्य द्वीपों की तुलना में चीनी मुख्य भूमि के अधिक निकट भी देखने को मिलता है। तो इस वजह से भी ताइवान जो है वो चीन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण देश माना जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहली वजह तो यही है कि दोनों की अर्थव्यवस्थाएं काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से संबंधित देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा ये चीन के सबसे ज़्यादा पास भी एक द्वीप देखने को मिलता है बाकी सारे द्वीपों की तुलना में। तो इस वजह से आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अमेरिका के लिए ताइवान की क्या प्रासंगिकता है। तो अमेरिका जो है वो ताइवान के साथ आधिकारिक राजनीतिक संबंध नहीं रखता है, लेकिन यह ताइवान संबंध अधिनियम यानी कि ताइवान रिलेशन एक्ट 1979 तहत ताइवान को स्वयं की रक्षा के लिए साधन प्रदान करने के लिए बाध्य देश देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका में एक ऐसा अधिनियम देखने को मिलता है जिसका नाम ताइवान संबंध अधिनियम, जो कि 1979 का है। उसके तहत अमेरिका जो है वो ताइवान को अपनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य देखने को मिलता है। वैसे अमेरिका जो है वो ताइवान के साथ किसी भी तरीके के राजनीतिक संबंध देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यही ताइवान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता भी देश है। अमेरिका के बारे में तो आप लोगों ने हमेशा से सुना ही होगा कि अमेरिका जो है वो सभी देशों को वेपन्स जो है यानी कि हथियार जो है उनको एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है। तो इसी तरीके से ताइवान को भी सबसे ज़्यादा हथियारों की आपूर्ति अमेरिका के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा राजनीतिक अस्पष्टता की एक नीति का पालन भी करता है। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ताइवान मुद्दे पर भारत का क्या रुख देखने को मिलता है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, लेकिन इसके पहले अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। क्या आप लोगों को पता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे क्या है? अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता है तो उसका लिंक आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग अगर बात करें तो भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके तहत भी एक अंग के रूप में भारत ने ताइवान के साथ व्यापार और निवेश के साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संबंधी मुद्दों और लोगों के पारस्परिक संपर्क के क्षेत्र में गहन सहयोग विकसित करने का प्रयास किया है। यानी कि इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके तहत इंडिया जो है वो ताइवान पर भी अपने कई सारे प्रयास करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा भारत और ताइवान के बीच औपचारिक कोई राजनीतिक संबंध देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन 1995 के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे की राजधानियों में प्रतिनिधि कार्यालय बना रखे हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें जो कि वास्तविक दूतावासों के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने ताइपे पाइपलाइन के बारे में सुना होगा जो कि में इंडिया और ताइवान के बारे में देखने को मिलती है। तो इस तरीके से अगर हम लोग कहें कि दोनों देशों के बीच में प्रेजेंट टाइम पर हमें थोड़े बहुत राजनीतिक संबंध देखने को मिलते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से कोई भी राजनीतिक संबंध देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें वर्ष 1949 से भारत जो है वो एक चीन नीति को स्वीकार करता रहा है जो ताइवान और तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में मान्यता देता है। यानी कि चीन की जो है वो वन चाइना पॉलिसी है जिसके तहत चीन जो है वो ताइवान, तिब्बत और हांगकांग इन को अपना ही पार्ट मानता है। तो उस नीति को फॉलो करने में भारत जो है वो भी चाइना का सपोर्ट करता है और तिब्बत और ताइवान दोनों को ही चीन के एक पार्ट के रूप में देखता है।
लेकिन एक चीन पॉलिसी को भारत जो है वो अपने एक कूटनीतिक तर्क के लिए भी प्रयोग कर सकता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, यदि भारत एक चीन नीति में विश्वास करता है तो चीन को भी एक भारत की नीति पर अमल करना चाहिए, यानी कि इंडिया जो है वो इसे एक कूटनीतिक तर्क के रूप में भी उपयोग करता है। जैसे कि उसका कहना है कि अगर एक चीन नीति के तहत इंडिया जो है वो ताइवान और तिब्बत, इसके अलावा हांगकांग को चाइना का पार्ट मानता है, तो फिर चाइना को भी इंडिया की एक भारत नीति का पालन करना चाहिए, जिसके तहत उसे जो भी हमारे पार्ट रहे हैं, जैसे कि बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इन सबको भी इंडिया के पार्ट के रूप में देखा जाना चाहिए। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंडिया फिर भी जो है इसे अपने एक कूटनीतिक तर्क के रूप में उपयोग करता रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इनके बारे में याद रख सकते हैं कि इंडिया का इसके प्रति क्या रुख देखने को मिलता है। तो इंडिया के ताइवान के साथ हमें थोड़े बहुत राजनीतिक संबंध देखने को मिलते हैं, लेकिन कोई भी औपचारिक रूप से राजनीतिक संबंध नहीं है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में हमें कई सारे प्रोजेक्ट भी देखने को मिलते हैं जो एक दूसरे की राजधानियों को कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा भारत जो है वो एक चीन पॉलिसी को भी फॉलो करता है, जिसके तहत वो ताइवान को चीन का ही पार्ट मानता है। तो इस तरीके से ये सारे फैक्टर्स आप लोग इंडिया के बारे में याद रख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को हम बस यहीं तक रखते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं, और प्लीज़ आप लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देखा कीजिए। अभी हाल ही में मैंने बताया कि मीडिया को कंगारू कोर्ट क्यों कहा जाता है, कंगारू कोर्ट शब्द क्या होता है, तो ये सब आप लोगों को मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में देखने को मिल जाते हैं, तो प्लीज़ उनको स्किप नहीं किया कीजिए। उनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे और भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमारे चैनल पर आप लोगों को MBBSC का पूरा सिलेबस, MBBSC प्री और मेंस का स्टडी मटेरियल, साथ ही प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, इसके अलावा CSET और NCERT का भी सिलेबस, इसके अलावा MPSI और पटवारी का भी पूरा सिलेबस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी अपनी MPBSC की प्रिपरेशन को एक बेहतर दिशा देना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे जुड़कर अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमारे चैनल के अलावा आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक